I'm Shlok. I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fun! Back to our favorite, super favorite. Shunejo, bro. मजा आ गया यार आज, मतलब ये पता है मजा आने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। जनेजो के वीडियोस आने लग गए वापस। हम लोग है ना, पता है शुरू में जब कर रहे थे, हमें जो हमारे फ्रेंड्स बोल रहे थे तुम लोग को आगे बहुत दर्द होगा क्योंकि उसने वीडियोस बनाने बंद कर दिया। नहीं मतलब क्या बात कर रहे हो, आगे देखने नहीं मिलेगा तो है क्योंकि हमने पुराने नहीं देखे। एंड ही वाज लाइक न्यू वीडियोस में ये कर लिया है वीडियो, मतलब आज हम फिफ्थ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके पास कब पहुंचेगा पता नहीं, बट ये कर लिया है खुद को आया वीडियो। दिस इज स्टोरीज ऑफ कराची। ओए होए कुछ बहुत ही बेहतरीन। कराची वाले अभी बहुत खुश हो गए, अंदर ही अंदर के जो इनसाइडर्स होते हैं ना, जो गलियों गलियों में चलते इनसाइडर्स, वो मिल रहे हैं। कुछ कुछ हमें ऐसे समझ नहीं आएंगे, हम बोलेंगे ठीक है, वो लोग एकदम ऐसे हो रहे हो। और नीचे कमेंट बता देना भाई, अगर कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आया तो वो तो बताना पड़ेगा, आपको बताना ही पड़ेगा। टेल्स ऑफ कराची एरियाज, तो इसके अंदर ऑफकोर्स कॉन्टेक्स्ट गलियों वाली चीजें होगी। शुरू करते हैं वीडियो। इट इज इरफान जुनेजो, तो फॉर श्योर अच्छा ही होने वाला है। शुरू किया जाए। एक दफ़ा एक बिरयानी वाले ने अहमद नकवी के आर्टिकल में एक बात कही थी कि कराची जिद्दत का शहर है। जिद्दत मतलब इनोवेशन, और यहाँ की इनोवेशन सिर्फ यहाँ के खानों तक महदूद नहीं है, यहाँ की इनोवेशन, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की डाइवर्सिटी, यहाँ की कहानियों में भी है। और पूरे शहर की कहानी सुनाने के लिए तो 3 घंटे की फिल्म भी कम पड़े, लेकिन यहाँ हर गली, हर सड़क, हर इलाके की अपनी कहानी। और आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मुझे कहानियों से बहुत दिली लगाव है। कराची शुरू से ही कहानियों का शहर रहा है भाई, और हम अपनी कहानी कराची के इब्तदाई इलाकों से शुरू करते हैं। जब कोलाची, जो कराची का पुराना नाम था, जब कोलाची की आबादी में इजाफा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ये एक ट्रेडिंग हब बनने लगा, तो लोगों ने फैसला किया कि सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे एक किला बनाते हैं। उस किले के 2 दरवाजे बनाए गए, दरवाजे को दर भी कहते हैं, तो 2 दरवाजे बनाए गए, एक जो कि समंदर की तरफ खुलता था, समंदर का पानी क्योंकि खारा होता है, सॉल्टी होता है, इसलिए उस दरवाजे का नाम पड़ गया खारा। दूसरा जो कि एक नदी की तरफ खुलता था, नदी का पानी जो कि मीठा होता है, इसलिए उस दरवाजे का नाम पड़ गया मीठा दर। एंड टुडे वी हैव वन ऑफ द ओल्डेस्ट लोकेलिटीज इन कराची, खारा दर, मीठा दर। समंदर की बात हो रही है तो हम बंदर रोड को कैसे भूल सकते हैं। बचपन में जब मैं बंदर रोड का नाम सुनता था तो मुझे लगता था शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर होते होंगे, घर वालों को कहता था कि मुझे यहाँ पे लेके चले। तो थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि सी पोर्ट को उर्दू में बंदरगाह कहते हैं, और ये वो रोड है जो शहर को सी पोर्ट से कनेक्ट करती है। नाम अब इसका बंदर रोड नहीं है, लेकिन काम अभी भी ये वही करती है। कराची की डाइवर्सिटी की एक जिंदा मिसाल बताता हूँ। वो रोड जो शहर को समंदर से कनेक्ट करती है, उसका नाम सी पोर्ट इन उर्दू, और उसके आगे का इलाका जो कि एक्चुअल पोर्ट है, दैट इज सी पोर्ट इन सिंधी। माड़ी सिंधी में सी पोर्ट को कहते हैं, और बंदर रोड के आगे लगता है किमाड़ी। बंदर रोड से एक रास्ता निकलता है किमाड़ी की तरफ, और दूसरा निकलता है माड़ीपुर की तरफ। समझ रहे हो ना माड़ी का क्या मतलब है। इन दोनों इलाकों के बीच में जो जगह है उसका नाम है मच्छर कॉलोनी। अब बंदर रोड पे बंदर तो नहीं होते, लेकिन कराची के लोगों का कोपे मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है ना कि वो अपनी तकलीफों को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। क्योंकि जब पोर्ट बना, पोर्ट पे मजदूरों की ज़रूरत हुई, तो मजदूरों को करीबी रहने की एक जगह चाहिए थी, और किमाड़ी और माड़ीपुर जो कि पोर्ट्स हैं, इनके बीच में यही एक जगह है, तो यहीं बहुत ज़्यादा मजदूर आके आबाद हुए। और ये जगह 3 साइड से पानी से कवर है। पानी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर होते थे, और इस वजह से इस जगह का नाम पड़ गया मच्छर कॉलोनी। अब एक जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर है, उस जगह का नाम है मच्छर कॉलोनी। तो एक जगह जहाँ से पूरे शहर को दूध सप्लाई होता है, उस जगह का क्या नाम होगा? भैंस कॉलोनी। सच्ची? क्या बात है। भैंस कॉलोनी से थोड़ा ही आगे है गीदड़ कॉलोनी। अब यहाँ पे कोई गीदड़ नहीं पाए जाते, लेकिन किसी जमाने में लोगों ने यहाँ पे बहुत गीदड़ देखे थे, तो जगह का नाम पड़ गया गीदड़ कॉलोनी। वैसे इस जगह का एक बड़ा प्यारा सा, बड़ा अच्छा सा ऑफिशियल नाम है, न्यू मुजफ्फराबाद कॉलोनी। लेकिन इस तरह की कहानियां नामों में जिंदा रहती हैं, तो किसी भी टैक्सी वाले को बोलो
कि न्यू मुजफ्फराबाद कॉलोनी जाना कोई नहीं ले जा पाए, शायद ही किसी को पता। लेकिन अगर बोलोगे कि गीदड़ कॉलोनी जाना है तो कोई भी पहुंचा देगा। और अगर जानवरों की कहानियां चली रही हैं तो नागन चौरंगी की भी अपनी कहानी, मतलब कहानियां हैं, एक से ज्यादा हैं। नागन चौरंगी आए हम यहाँ पे, उमर शरीफ का एक जोक था कि नागन निकल ली है, सिर्फ चौरंगी बाकी रह गई। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट नागन चौरंगी। और अभी हम यहाँ पे हैं, ड्रोन उड़ाएंगे हम यहाँ। कुछ लोग कहते हैं कि किसी ज़माने में यहाँ पे एक नागन पकड़ी गई, नागन मतलब स्नेक, और लोग इतना डर गए थे कि इस जगह का नाम ही नागन चौरंगी हो गया। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे तीन सड़कें बल खाती हुई सांप की तरह एक दूसरे से मिलती हैं, इस वजह से इस जगह का नाम नागन है। और तीसरी कहानी यह है कि एक ज़माने में जब लोकल गवर्नमेंट ने यहाँ की पैमाइश शुरू की, पैमाइश मतलब मेजरमेंट्स, तो एक पुरानी जगह निकली जिसका नाम नागन था ऑफिशियल पेपर्स पे, तब से इस जगह का नाम नागन चौरंगी। कराची के बारे में कहावत बहुत मशहूर है कि आज तक पूरा कराची किसी ने नहीं देखा है, लेकिन अगर किसी ने देखना हो तो सबसे इकोनॉमिकल तरीका है इन ड्राइवर, क्योंकि इन ड्राइवर में आप अपना फेयर खुद सिलेक्ट कर सकते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट फेयर आपको मिलेंगे ऑप्शंस फॉर डिफरेंट ड्राइवर्स, जिनकी ऑफर आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर कार, देयर प्रोफाइल या देयर फेयर। ऐसा नहीं है कि बस एक ही ऑफर मिले, जाना तो जाओ वरना राइड कैंसिल। तो इन ड्राइवर से आप बहुत सारे शहरों में बहुत इकोनॉमिकली ट्रैवल कर सकते हैं, और ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस तरह की कहानी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा कि नुमाइश चौरंगी की कहानी क्या है, और अगर आपने नुमाइश चौरंगी नहीं देखी तो आपके जहन में कोई इमेज ही नहीं आएगी। चलो कोई नहीं, मैं दिखा देता हूँ नुमाइश चौरंगी। चौरंगी बाय द वे इज़ अ राउंड अबाउट। अगर कोई चौरंगी कराची में सबसे ज़्यादा मशहूर है, इवन मोर देन नागन, तो वो है नुमाइश चौरंगी। कोई भी तकरीब हो, कोई भी धरना हो, कोई भी प्रोटेस्ट हो, नुमाइश का नाम आपको खबरों में कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। तो नुमाइश चौरंगी का सीन ये है कि बंदर रोड, जिसका नाम अब एमेजिना रोड है, इस पर डिफरेंट स्टॉप्स हैं ऑल द वे टू किमाड़ी। यहीं एक स्टॉप है नुमाइश चौरंगी। इसका सीन ये है कि 1939 में KMC कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन करवाई थी। एग्जीबिशन को उर्दू में कहते हैं नुमाइश। नुमाइश से एक स्टॉप पीछे है गुरु मंदिर। लोग कहते हैं कि किसी ज़माने में यहाँ पे एक गुरुद्वारा होता था जिसका नाम लोगों ने अपनी सहूलत के हिसाब से और एरिया को पहचानने के लिए गुरु मंदिर रख दिया। गुरुद्वारा तो अब नहीं है, लेकिन इसकी कहानी इस नाम में महफूज है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पे बहुत सारा टाइम गुजारा है। तो अंग्रेज़ों की कहानियाँ भी यहाँ के नामों में रिफ्लेक्ट होती हैं, जैसे कि हमारे पास है गोरा कब्रिस्तान। गोरा कब्रिस्तान इज एक्चुअली अ क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड। पुराने जमाने में ज्यादातर अंग्रेज यहाँ पे क्रिश्चियंस होते थे। वी स्टिल हैव गोरा कब्रिस्तान नेक्स्ट टू कालापुर। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इसका नाम है चमड़ा चौरंगी, क्योंकि यहाँ पे आसपास सारी लेदर की फैक्ट्री है। कब्रिस्तान है तो खामोश कॉलोनी, अगर आसपास बहुत सारी लेदर की फैक्ट्रीज हैं तो चमड़ा चौरंगी। और अगर बोतलें में, मतलब इतर की बोतलें और खाली बोतलें मिलती हैं, तो उस जगह का नाम है बोतल गली। वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस इन कराची टू टेक पिक्चर्स। सारी पिक्चर्स लोकेशन एक ही, लिख लो बोतल गली। एंड देन वी हैव पापोश नगर। पापोश फारसी में जूते को कहते हैं, और किसी ज़माने में इस इलाके में जूतों का बहुत ज़्यादा कारोबार होता था, इस वजह से इसका नाम ही पापोश नगर पड़ गया। वैसे तो इसका नाम जूता नगर भी हो सकता था, बट दैट वुड हैव बीन टू सिंपल। उससे पता नहीं चलता कि कराची में कितनी डाइवर्सिटी है। अगर आप किसी आम शख्स के सामने कोई अजीब सी बात करेंगे तो वो आपको बोलेगा कि भाई क्या हो गया, पागल हो गए हो, क्या बात कर रहे हो। कराची के लोग आपको बोलेंगे भाई होश में है, पापोश में, इसका पापोश से कोई ताल्लुक नहीं है। जस्ट गोस टू शो हाउ डाइवर्स वी आर। तो ये है भाई इस शहर की कुछ कहानियाँ। यहाँ पे रामस्वामी है, रामस्वामी के पीछे है मिल्लत नगर। रामस्वामी के एक तरफ है पारसी कॉलोनी और उसके दूसरी तरफ है नारायणपुरा। इन दोनों के बीच में है बांड स्ट्रीट, जो किसी ना किसी अंग्रेज के नाम पे है। बांड स्ट्रीट के ऊपर है पाकिस्तान मस्जिद। नारायणपुरा के एक तरफ है जिनाबाद, जिनाबाद के आगे है भीमपुरा। जिनाबाद और भीमपुरा के बीच में है हाजी कैंप। दिस इज द डाइवर्सिटी ऑफ दिस सिटी। इस शहर का दिल बहुत बड़ा है एंड दैट इज वाई आई लव दिस सिटी, क्योंकि इस शहर में, इसकी कहानियों में हर किसी के लिए जगह है। थैंक यू टू इन ड्राइवर फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो एंड फॉर मेकिंग दिस वीडियो पॉसिबल। अगर आप इसका सेकेंड वॉल्यूम और थर्ड वॉल्यूम और फोर्थ वॉल्यूम देखना चाहते हैं तो डू लेट मी नो, क्योंकि कराची में कहानियों की कमी नहीं है भाई। अभी तो काला पुल, अंडा मोड़, दो मिनट चौरंगी, फाइव स्टार, बहुत नाम है हमारे पास, कटी पहाड़ी, बनारस। तो लेट मी नो। डिस्क्लेमर एंड में दे रहा हूँ भाई, क्योंकि अगर शुरू में देते ना तो सारा मजा किरकिरा हो जाता। दिस इज अ वीडियो अबाउट स्टोरीज, जैसा कि आप टाइटल में पढ़ सकते हैं। इट इज अबाउट लेजेंड्स, मिथ, फोकलोर एंड सम फैक्ट्स।
फैक्चुअल वीडियोस को आप क्रॉस चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, स्टोरीज को आप इंजॉय करते हैं, एंड दिस वॉज मेंट फॉर योर इंजॉयमेंट एंड टू प्रिजर्व दीज स्टोरीज. सो आई होप यू इंजॉयड इट. ओके, कराची रिप्रेजेंट. हाँ, डिस्क्लेमर दिया है यार, मजा क्या डिस्क्लेमर. एक चीज मुझे बोलनी है, कराची, आई फील यू नो द वे कराची यू नो डिस्क्राइब करते डाइवर्सिटी एंड एवरीथिंग, मुझे मुंबई की मुंबई सच में रिलेटेबल लगता है. इट्स लाइक यू नो मुंबई इज एन इमोशन फॉर अस. लाइक हम जब भी मुंबई की बात करते हैं, फील सो प्राउड टू बिलोंग टू द सिटी. देयर आर सो मेनी थिंग्स अच्छी है, बहुत मस्त चीज है मुंबई के बारे में. लेकिन कोई अगर पूछे ना कि मुंबई की बेस्ट चीज क्या है, वन ऑफ द बेस्ट चीज हम बोलेंगे वो होगा ये इमोशन, ये जगह का जो एक फीलिंग है ना, भाई वाइब है. तुम यहाँ पे हो तो तुम एक अलग ही दुनिया में हो. सच में ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ घूमो फिरो तो तुम्हें ऐसा लगेगा हाँ मैं मुंबई में. तुम बस मुंबई की ट्रेन में कहीं निकलो, सच में एक कोने में जाकर बैठ जाता है. मुंबई की बारिश, मुंबई का सब कुछ. तो वैसे ही नाउ आई कैन फील कि हाँ ये कराची कह रहे हैं. एंड दी स्टोरीज आर सो गुड. मुझे लगा स्टोरीज ऑफ कराची मस्ट बी लाइक समथिंग डिफरेंट, समथिंग अ लिटिल फनी. वो पर पता है एक टाइम पे व्यूज करते थे इस्लामाबाद कराची पूरा सिटी व्यू कर रहे थे भाई. ये होता है, ये सच में एक एक चीजों का कॉन्टेक्स्ट बताया इन्होंने कि यहाँ पे क्या है तो क्या नाम आया है, क्या नाम आया. उन्होंने वो जो ऊपर से बहुत सारी जगहों का नाम एक साथ लिटरली कितने अलग अलग किस्म के नाम है वो सारे, कितने अलग अलग. एंड द वे उनकी स्टोरी टेलिंग आई थिंक डे वन से बहुत ज्यादा सुपर्ब रही है. बट पता है एफर्टलेस है, मतलब सॉफ्टली ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ वो बताना चाह रहा है, बस वो बता रहे और बहुत अच्छे से निकल रहा है. एफर्टलेस प्लस अट्रैक्टिव है. मतलब अगर ये मेरे मुंह से सुनो अब ये भैंस गली है बिकॉज भैंस थी वहां पे, तो ये कितना लेम होता है. लेकिन जनरल सेंस कोई भी कितना लेम बना सकता है इस चीज. उनकी आवाज बहुत मस्त लगती है. आई थिंक उनका इमेज ऐसा है कि लोगों को सुनना है क्योंकि वो वैल्यू एड करते हैं तुम्हारी नॉलेज को. जो भी बोलते हैं एकदम वर्थ इट बोलते हैं. और ये चीज की ना बंदर कॉलोनी में लगा था, बहुत बंदर होंगे ये हमें भी बचपन में लगता था. यहाँ पे कुछ जगहों के नाम है अंधेरी, मुझे लगता था अंधेरी बहुत अंधेरा, बांद्रा में बहुत बंदर, और दही सर में बहुत दही बहुत है भाई यहाँ पे, तो बहुत है हद पार. और कभी अगर फैक्ट चेक करेंगे हो सकता है कि ऐसे ही नामों से हो सकता है. या दही सर क्या नाम होता है, वरना ऐसा कुछ हो पीछे तो सेंस ज्यादा बनेगा. लेकिन उनको देख के वो इमोशन फील हुआ, इसलिए मैंने जैसे वीडियो, मेरा पूरे टाइम वीडियो पे वही था कि यार ये मुंबई वाला इमोशन है. मतलब जैसे वो अपन मुंबई के लिए फील करते हो वैसा फील करवा रहे हैं अपन को कि यू नो कराची एंड स्टफ. इट वाज वेरी एक यू नो टचिंग साइड में आपको समझ आ रहा है. इतना ऐसा नहीं कि बहुत ही हार्ड कोर कुछ है, सॉफ्ट वीडियो है, तुम आराम से एंजॉय करो. आप अपना फेवरेट सिटी बताओ यार पाकिस्तान में, मतलब हर किसी की अलग अलग चॉइस होती है. मैं बताऊँ सबका फेवरेट सिटी क्या होगा, जहाँ जहाँ से वो बिलोंग करता है फॉर ऑब्वियस रीजन. हाँ ठीक है भाई, ठीक है. नॉर्मली भी लोग हमेशा वही चीज करते हैं, हो सकता है यार कि कहीं और कोई और चीज. घूमने के पर्सपेक्टिव से बताएं तुम्हें कि ये बेस्ट जगह है यहाँ पे जाना, अपन भी बोलते हैं बता दो सब बता दो. रहने के लिए हमारे लिए यही सबसे बेस्ट है, और है ही सबसे बेस्ट सिर्फ हमारे लिए, सबके लिए सबसे बेस्ट है. बेस्ट है ये जगह. अरे भाई मुझे दंगे बता देंगे, दिल्ली और मुंबई के दंगे. मुझे दिल्ली के बहुत कुछ नहीं पता. पहले गाइस वी हैड अ ग्रेट टाइम, मजा आ गया, मुझे नहीं समझा. दिल्ली वालों कमेंट में कमेंट नहीं करो आपका दिल्ली व्हाटसएवर. बाय गाइस, बाय, थैंक यू.